मैं हूँ आस्था। मैं हूँ रितु। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज। रितु, क्या तुम तो रिवील करोगी सबके लिए? बिल्कुल, ये है सरप्राइज। हमारी 90s की मेमोरी, हमारे बचपन का प्यार, शायद आप सभी में से भी बहुत लोगों के बचपन का प्यार है ये। तो आज हम इस वीडियो में आपको ये बताना चाहते हैं कि उस टाइम पे हमारे कितने मजे थे कि एक एक 2 रुपए में हमारी जो क्या होती थी, पॉकेट मनी और स्कूल की शॉप छोटी मोटी सी दुकानों से ये चीजें लाके जो खाते थे और मतलब उसमें कितनी सेटिस्फेक्शन हमें मिलती थी, इसका अलग ही मजा था, अलग ही खुशी थी। बिल्कुल। तो आज हमारे पास यहाँ पे बहुत बहुत सारे आइटम्स हैं और देखिए आप लोग, पूरा बॉक्स फुल है। और आपको बताना चाहूंगी कि इसको कलेक्ट करने में हमें बहुत मेहनत लगी है। हम ऑलमोस्ट 20-25-30 दुकानों पे गए हैं। लास्ट 15 दिन में हमने ये सब कुछ इकट्ठा किया है, ये है रियल ट्रेजर, ताकि हम आप सबको एक ये मेमोरीज आप सबके लिए भी एक मेमोरेबल बना सकें, राइट? बचपन का प्यार किसने बार तो वही पुरानी पैकिंग, वही पुराना लोग, हम सबकी पास चॉकलेट 90s के, एंड आई होप कि वही पुराना स्वाद है। वही स्वाद एकदम इलायची वाला फ्लेवर, एकदम बहुत बहुत आजकल तो वो पोलर बियर कुछ वैसी आती है, अब ट्राई करते हैं। तो क्या खाऊंगी? अब मैं खाऊंगी, मैं तो बाद में खा लूंगी। तो क्या किसी को जैन खानी है क्या? जैन आज भी बहुत आसानी से मिलती है, बट ये हमारे टाइम का बहुत पुराना प्यार है। लेकिन आज ये 5 रुपए की मिलती है, हमारे टाइम पे ये 1-1 रुपए की आती थी। हमारे जो टाइम के प्रोडक्ट है ना, वो 1 या 2 रुपए में ही आते थे। तो पॉकेट मनी मिलती थी, हम इतने लिए मिलती थी हमें। तो तुम पिंक कलर लेना, क्योंकि तुमने आज पिंक ड्रेस पहना है इसमें। हाँ है इसमें। मैं लूंगी ब्लू कलर, एक बस वाइट नहीं होती। आज आज भी बच्चों को पसंद आती है, आज के बच्चों की भी है ये पसंद। जिसको याद है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो अब क्या ट्राई करना है आस्था? अरे ये है मैजिक पॉप, ये तो पटाखे फोड़ेगी। जिसे जब हम लोग खाते हैं तो अंदर आवाज आती है मुंह में, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे पटाखे फूट रहे हैं आपकी टंग पे। वांट टू ट्राई दिस? नो आई डोंट थिंक। हमने बहुत शॉपिंग
शॉपकीपर्स को इंसिस्ट किया कि भैया प्लीज हमको लाके दे दो, हमारी याद ताजा हो जाएंगी। और इसके टैटू के लिए तो हम बहुत फाइट मारते थे, इसका टैटू लगाते थे और फिर निकलता भी नहीं था वो। आप क्या ट्राई करें रितु? गुब्बारा फुलाते थे और कॉम्पिटिशन होता था, ये भी इसका एक्चुअल बिग बबूल का ही छोटा भाई समझ लो आप लोग। और प्लीज यार जो जो हमारे साथ के 90s वाले लोग ना, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर उन्हें ये वीडियो पसंद आया है, और अगर हमने कुछ भी मतलब कुछ इससे भी और अच्छी चीजें उनको मिली हो तो वो भी जरूर बताएं। अब क्या ट्राई करना आस्था? पोलो यार, आस्था ये पोलो खाके उसके ऊपर पानी पीते थे ताकि वो जो ठंडा ठंडा लगता था, मिंट वाले फीलिंग लाने के लिए ना, याद है? बहुत अच्छे से याद है। क्या दिन थे यार, ठंडा पानी पी लो, पोलो खाओ और नॉर्मल पानी पी लो। और ये है पास 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 यार, ये भी तो ये बहुत सारे फ्लेवर्स में आती है, आज भी आज और ₹1 में ये मिल जाती है आपको मार्केट में, बहुत टेस्टी होती है, जरूर ट्राई करें खाना खाने। ये माउथ फ्रेशनर है इसलिए बोला खाना खाने के बाद। और ये मिल्की बार व्हाइट वाला चॉकलेट, जो कि हमें पता भी नहीं था कि व्हाइट चॉकलेट भी कुछ होती है, शायद यहीं से पता चला है भाइयों, है ना बहनों। खानी है आपसे, ट्राई करनी है? नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं सब कुछ बाद में आराम से खाऊंगी। चलो ठीक है, ओके, लेट्स ट्राई समथिंग। पापे, ये वही है ना, इसका कलरफुल बहुत सारे टाइप्स के डिफरेंट कैंडीज टाइप आती थी। और पता है, मैं और मेरे ब्रदर और मेरी सिस्टर लड़ाई करते थे लिटरली इसको कि हमें ये वाला कलर चाहिए, वो वाला कलर। और पता है ₹5 में 10 कैंडी आती थी, सबसे सस्ती कैंडी। ये तो खाने को बनती है, ये मैं खाऊंगी आज का। ठीक है, मैं इसे खोलती हूँ। तुम भी खाओ और मैं भी खाती हूँ। आज भी उसी पुरानी पैकिंग में अवेलेबल है। पर्पल वन, पॉपिंग्स, लवली, मतलब बेस्ट। अभी इतना ऐसे फीलिंग आ रही है ना, अभी ऐसे लग रहा है स्कूल में चली गई हूँ मैं वापस से। मस्त यार। और क्या है हमारे इस पिटारे में? बहुत कुछ है यार, अभी तो बहुत कुछ है। ओ ये देखो, मेलोडी। मेलोडी भी चॉकलेटी की होती है आज का। मेलोडी खाओ, खुद जा जाओ। लो प्लीज, आप भी बताइएगा मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों होती है। गाइस, मेलोडी अभी भी आती है, बट आई गेस ये पुरानी पैकेजिंग है, तो हम सिर्फ 90s का ही चीज है आपको शो कर रहे हैं यहाँ पे। बाद में मेरे पास कुछ कॉइंस हैं गोल्ड के और सिल्वर के लिए। कॉइंस? हाँ देखो, ये चॉकलेट छोड़िए, तो कॉइंस हैं। ओह माय गॉड, ये वो याद है जो अपनी छोटी सी परचून की दुकान होती थी ना, ये उन्हीं पे आती थी, याद है? पता नहीं कितने 50 पैसे की आती थी। कुछ 50 पैसे एक चॉकलेट आती थी ये, और हम इसे कम खाते थे क्योंकि ₹1 में एक ही आती थी या दो ही आती थी, तो हमारे लिए महंगी टॉफी होती थी। नहीं, मेरे को तो मजा आता उसको देख के, अरे ये ऐसे लगते कॉइन्स है, पैसा है, राजा महाराजा वाले गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स। आस्था ये भी तो है क्या? ये चुटकी चुटकी, ये बोल रहे चुटकी से प्यार हो जाए यार। ये तो मैं तो इसे ट्राई करने वाली हूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा है यार। तो कॉफी भी चल रही थी इतना अच्छा कि मन ही नहीं कर रहा कि इसको खुशबू, हमारे बचपन की यादों की खुशबू है ये। आप लोग भी ट्राई जरूर करना, ऐसा लगेगा स्कूल में पहुंच गए वापस। ये क्या है? इक्लेयर्स। इक्लेयर्स ये भी हमारे पास पुरानी वाली इक्लेयर्स बच्चों, जो कि 90s में आती थी और पूरी चॉकलेट से भरी हुई। ये तो जरूर होंगे यार।
माई स्वाद माई फ्लेवर के स्वाद। ये है लव बाइट। इसमें ऋतु तुम्हें याद है हार्ट शेप में टॉफी आती थी और हमारे लव्ड वन को ही गिफ्ट करते थे क्योंकि ये लव को लव का सिंबल होती थी। अच्छा ये नहीं बोलना मुझे। और क्या हमारे पास आपका? अब हमारे पास है ये एक और चॉकलेट है बार वन। ये भी मुझे बहुत पसंद थी। कितनी बार के बाद दूसरा नंबर इसका है ले रही है। मेरे को बहुत पसंद थी। पता है इसमें आपको एक स्टोरी बताती हूँ मैं क्या करती थी बचपन में। रोटी मिस हो जाते वक्त और मैं रोटी इसलिए थी ताकि मेरी मम्मी मुझे कुछ दिला दे। उसके बाद मुझे यही दिलाती थी बार बार। ये क्या है? कोला। कोला इसमें कोला ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक का फ्लेवर आता है। ये पॉपिंस टाइप का ही उसकी कोल्ड ड्रिंक का फ्लेवर के साथ। मैं बहुत खुश हूँ कि आज भी ये मार्केट में मिल पाई है। बहुत मेहनत की हमने बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करने में। अब मुझे लग रहा है कि मेरी मेहनत रंग लाई शायद। गाइस और ये भी है हमारे पास। ये हमारी क्या है? टैंगी इमली, मतलब वो चटपटी इमली। जिसको पसंद हो ना थोड़ा चटपटा खाने का मन करता हो वो ऐसे है जो कि आजकल दूसरे टाइप के रैपर्स में आती है बट एक्चुअल में हमारे जमाने में ये ऐसे आते। अगर आप लोगों को याद हो तो प्लीज प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बारी आई है सेंट फ्रेश की, जो आज भी मार्केट में उसी पुरानी पैकेजिंग में अवेलेबल है और उसी तरीके से मुझे पसंद है। सिगरेट स्पेशली लोग ये खाते हैं ताकि इसका स्मेल ना आए। क्या पता आपसे आप में से बहुत लोगों ने स्कूल में भी ये किया हो। और ये है हमारे पास जब मैं मार्केट में से ढूंढने गई थी और जब ये मुझे मिली मैं खुशी के मारे इतनी ज्यादा खुश हो गई थी। मतलब मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था इसके लिए और ये मुझे मिल ही गई फाइनल। अब ये है फाइव स्टार। ये भी बहुत पुरानी चॉकलेट है, बहुत चॉकलेटी होती है ये वाली। मेरी तो मतलब किसमी के बाद है ना मेरी जो अच्छी फेवरेट चॉकलेट है ना वो एक फाइव स्टार अभी भी है। मैं अभी भी खाती हूँ, बहुत पसंद है मुझे ये चॉकलेट। उस टाइम पे शायद ये 2 रुपए की आती थी। अभी 5 रुपीज की हो गई बट दैट टाइम ये 2 रुपीज की आती थी। मतलब हमारे या 2 रुपए वाली पॉकेट मनी के हिसाब से हमारा बजट में बहुत कुछ आता था और हम लोग बहुत खुश भी रहते थे। आस्था लगता है हमने सब कुछ खा लिया है इसमें से। या सब कुछ मतलब हो गया है ना, ये देखो ना इतना कुछ खा लिया है हमने। तो वो हमारा जो खजाना था 90s का खजाना वो हमने यहाँ पे सारा आज खत्म कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। और प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। Bye!